लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ विपक्ष के गठबंधन का नाम आया सामने। क्या एनडीए से मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने अखिलेश के पीडीए को चुना? खबरों में विपक्ष के गठबंधन के नाम का हुआ खुलासा, चर्चाएं हुई तेज। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम सामने आया है। इस नए गठबंधन का नाम पीडीए बताया जा रहा है। हालांकि इसके को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक अंदर खाने में इस बात पर चर्चा चल रही है। सीपीआई के हवाले से विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए सामने आया है। इसको लेकर कांग्रेस के उच्च सूत्रों का कहना है कि अभी नाम तय करने पर चर्चा नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों ने पीडीए के सुझाए नाम का खंडन भी नहीं किया है। सीपीआई के मुताबिक विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन होगा। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी एनडीए के मुकाबले पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठबंधन का नारा दिया था। विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 से 14 जुलाई को शिमला में होनी है। ये बैठक 2 दिवसीय होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने हैं। माना जा रहा है कि 15 दलों के विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार का नाम तय किया जा सकता है। वैसे इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।